एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाने जा रही हूँ स्वीट राइस, इसे हम जर्दा भी बोलते हैं, जो शादियों में हम लोग खाते हैं। अब बहुत इजली हम घर में बना सकते हैं। इसके लिए मैं पुलाव वाला चावल को भिगो दी थी 10 मिनट पहले। चाहे तो आप बिरयानी जिससे बनाते हैं वो भी आप ले सकते हैं चावल। और यहाँ पर मैं गर्म पानी कर चुकी थी और इसमें थोड़ा सा मैं फूड कलर मिक्स की हूँ ताकि ये अच्छा कलर आ सके। अब ये भिगोया हुआ जो चावल था हम इसमें अच्छे से डाल देंगे। ये देखिए, अब इसे हमें अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लेना है, उसके बाद हमें छोड़ देना है। जब ये चावल हमारा अच्छे से पक जाए, वो तो आप लोग चेक कर लेंगे कि ये चावल पका है कि नहीं खुद के अंदाजे से। यहाँ पे देखिए मेरा चावल पक चुका है, जो एक्स्ट्रा पानी है वो मैं सारा निकाल दूंगी। यहाँ पे मैं 1 कप चीनी ली हूँ, गर्म मसाला ली हूँ, चीनी में ली हूँ क्वांटिटी ऑफ चावल, जितना चावल है उसी हिसाब से हम चीनी लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ, जो गरम मसाला है इसमें डाल देंगे। 30 सेकंड तक के इसे फ्राई कर लेना है, उसके बाद जो चीनी था हमारा इसमें डाल देना है। यहाँ पे 1 कप पानी डालना है, चाशनी बनाना है हमें, थिक चाशनी बनेगी 1 तार की। देखिए इसमें अब बॉयल ये आ रहा है। अब ये बहुत ही इजीली हम जो शादियों में हम खाते थे, अब ये घर में भी बहुत इजीली हम बना सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है और खाने में भी काफी टेस्टी लगता है। देखिए यहाँ पे बहुत ही थिक चाशनी बन गई है हमारी, 1 तार की चाशनी बनाना है। उसके बाद हमें ये ड्राई फ्रूट्स काट के रखी थी उसे डाल देना है हमें, ताकि ये ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा गल सके। अब जो चावल था हमारा, जो मैं अलग करके रख दी थी पानी से, अब ये सारा चावल को हमें इसमें डाल देना है। अब ये हमें अच्छे से चला देना है और इसका जितना भी पानी है ये सारा पानी को अब्सॉर्ब हो जाना चाहिए। देखेंगे हम चला करके कि इसमें चावल में बिल्कुल भी पानी नहीं बचना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये मेरा चावल बिल्कुल ड्राई हो चुका है। जब तक ये ड्राई नहीं होगा हम बंद नहीं करेंगे। उसके बाद मैं एक प्लेट में निकाल ली हूँ, इसके ऊपर मावा हम डाल देंगे, काफी टेस्टी लगता है मावा से। अगर आपको ये मेरा रेसिपी पसंद आया हो तो फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। लाइक और शेयर करते रहें।